हेलो सी एस फेरेंट्स आई एम सी ए संकेत अग्रवाल रिप्रेजेंटिंग अग्रवाल लासेस आज मैं सी ए इंडस्ट्री की रियलिटी बताने आ रहा हूँ आपको अग्रवाल लासेस इज स्टैंडिंग इन दिस इंडस्ट्री एक्चुअली लीडिंग दिस इंडस्ट्री फॉर लास्ट ट्वेंटी ईयर्स हमारे पहले भी बहुत सारे क्लासेस थे जो बंद हो चुके हैं हमारे बाद भी कुछ क्लासेस आए होंगे बट अग्रवाल लासेस की रिलायबिलिटी पर कोई शक नहीं कर सकता और पिछले बीस साल से हम लोग इस इंडस्ट्री को ऐसे लीड नहीं कर रहे और बच्चे का जो प्यार हमको मिलता रहता है अगर वो मिलता रहा तो आई आश्योर कि अगले 20-40 साल तक अग्रवाल लासेस विल बी लीडिंग द सीए इंडस्ट्रीज तो आज हम लोग एक एक करके हर एक फैकल्टी जो सीए फाउंडेशन में पढ़ाता है वो ऐसी क्या बात पढ़ाता है ऐसा क्या करता है जो इतने सारे रैंक्स इतने सारे रिजल्ट इतना पासिंग परसेंटेज और सब कुछ एक जो सी स्टूडेंट को सक्सेस होने के लिए चाहिए वो अग्रवाल लैसेंस क्या क्या देता है किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या करता है बहुत ही डिटेल बात करेंगे वीडियो लंबा जरूर होगा बट अगर बड़ा कोर्स करने के लिए बड़ा क्लासेस सेलेक्ट करने के लिए आपको ये बीस मिनट आपके इन्वेस्ट करने है। और आपको माइक्रो माइक्रो जानकारी हर सब्जेक्ट के बारे में अग्रवाल लैसे क्या क्या डिलीवर करेगा वो आपको एग्जाम में कैसे बेनिफिशियल होगा और आप डेफिनेटली कैसे बहुत अच्छे मार्क्स है हर एक सब्जेक्ट को क्रैक करोगे और आज तक के हमारी हिस्ट्री में इतने अच्छे अपने रिजल्ट क्यों निकाले आज वो बात को अनफोल्ड करना जा रहे हैं हम लोग ये पहली बार ऐसा कोई हम लोगों ने स्टेप लिया है सो वीडियो को एंड तक देखना और एंड में जिस सब्जेक्ट के बारे में बातचीत होगी बहुत ही डिटेल में मैं ही करूंगा मैथ्स जिससे सबसे ज्यादा कॉमर्स के बच्चों को डर लगता है सो so, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड आपको फोटो में दिख रहे नीरज सर जो मेरे बाजू में खड़े हैं उनको मैं अभी बुलाना चाहूंगा ही हैज़ बिन टीचिंग अकाउंट्स फॉर लास्ट ट्वेंटी वन ईयर्स ही इज इन टू दिस इंडस्ट्री फॉर लास्ट थर्टी ईयर्स क्योंकि वो जब स्टूडेंट है तब से इस सीए कोर्स से जुड़े ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड जो सीए फाउंडेशन का पहला एग्जाम था वो उन्होंने दिया था और अब आप लोग भी सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने वाले हो तो आपको अकाउंट्स की छोटी से छोटी डिटेल वो कैसे क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपके आने वाले हैं उनसे आप अगर पढ़ते हो और अग्रवाल से रिजल्ट क्यों देता है हर सब्जेक्ट में उसके लिए आपको सारी जानकारी देंगे सो आई वुड लाइक टू इन्वाइट सी सी ए नीरज महेश्वरी सर थैंक यू संकेत सर सो हैलो एवरी वन आई एम चार्टेड अकाउंटेंट नीरज माहेश्वरी एंड आई एम गोइंग टू डील विथ योर अकाउंटेंसी पेपर ए डिस्क्रिप्टिव पेपर यू नो इन सी ए फाउंडेशन हंड्रेड मार्क्स का एक ऐसा पेपर जिसमें आप आउट ऑफ मार्क्स भी ला सकते हैं और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अभी लास्ट एग्जाम में गवारे नाम की हमारी जो स्टूडेंट है शी 97 97 इन अकाउंट्स। दैट मींस अगर एक बच्चा या या 98 या 90s में ला रहा है, तो यू कैन आल्सो डू दैट ओके सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू एट अग्रवाल क्लासेस फॉर अकाउंट्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते विद बेसिक बुक ओके okay? अगर आप साइंस बैकग्राउंड से भी आ रहे हैं तो भी आपके लिए जीरो से अकाउंटिंग शुरू होता है और जो लोग इलेवन ट्वेल्थ में अच्छा करके आए हैं नहीं भी करा और कोई भी लैग उनका है तो वो सब क्लियर हो जाएगा जब आप बेसिक अकाउंटिंग मेरे साथ करेंगे तो वी विल डू द होल बेसिक अकाउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ अकाउंट्स तो आपका जीरो से स्टार्ट होगा अकाउंट्स देन वॉट वी विल डू इज एज एंड वेन हमारा बेसिक बुक कंप्लीट होगा वी विल बी डूइंग फ्रॉम अवर मेन बुक और मेन बुक के साथ हम आईसीआई के स्टडी मॉड्यूल के भी क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे चैप्टर वाइज ओके तो फॉर दैट आई हैव मेड है शेड्यूल कौन से चैप्टर को कौन से पहले करना है फिर बाद में करना है उसका एक शेड्यूल हमने डिजाइन किया उसके अकॉर्डिंगली हम एक एक चैप्टर को कंसेप्चुअली फंडामेंटली क्लियर करेंगे एंड देन फिर वी विल डू नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर दैट सो दैट वी कैन मास्टर दैट पर्टिकुलर टॉपिक ओके और ओवरऑल जब आपका एक एक टॉपिक अच्छे से कंप्लीट होगा देन डेफिनेटली आपका एक सब्जेक्ट के ऊपर अच्छा कमांड हो जाता है ओके एंड देन जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा मेरी मेन बुक से एंड आईसीआई के मॉड्यूल से देन वी विल गो फॉर रिविजन ओके और इन दैट रिविजन बुक मतलब आपको तीन बुक्स मिलने वाले हैं अकाउंट्स के फर्स्ट इज बेसिक बुक सेकेंड इज मेन बुक एंड थर्ड इज रिविजन बुक तो जब आप रिवीजन बुक देखोगे तो उसमें अगेन यू विल गेट ए सिलेक्टिव क्वेश्चन विच आर आस्ड बाई आईसीआई पास्ट ईयर्स में और जब आप वो वाले क्वेश्चन भी मेरे साथ रिविजन बैच में करोगे एंड बिलीव मी आफ्टर डूइंग दो क्वेश्चन आपका एक भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा जो अनसॉल्व होगा दैट इज यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ एग्जाम एट आफ्टर अपियरिंग आफ्टर कंप्लीटिंग दैट रिवीजन बुक एंड दैट विल बी द बेस्ट पार्ट कि आप ये तीन बुक से जब कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका अकाउंटिंग हंड्रेड परसेंट परफेक्ट हो जाएगा एंड यू कैन ऑल्सो स्कोर लाइक अक्षदा उसने नाइनटी किया तो वो आप भी कर पाओगे राइट right?

एंड डेफिनेटली आफ्टर डीलिंग विथ ऑल दीज थिंग्स आपके अकाउंट्स के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे एंड यू आर गोइंग टू परफॉर्म बेस्ट इन दिस पेपर ओके सो बी प्रिपेयर देखिए इतना सफिशियंट टाइम रहेगा हमारे पास इसको करने के लिए इस पूरे प्रोसेस को जो मैंने आपको बताया हमारे तीनों बुक्स से कंप्लीट करना आईसीआई का स्टडी मॉड्यूल कंप्लीट करना और ऑब्वियसली एम टीपीज आर टीपीज के जो क्वेश्चन है वो भी हमने एज आई टोल्ड यू रिविजन बुक में या मेरी मेन बुक में कवर्ड है तो डेफिनेटली इंस्टीट्यूट से मिला हुआ सब मटेरियल कवर कर लिया तो पक्की बात है कि आपका अकाउंट्स का पेपर का प्रिपरेशन 100 परसेंट परफेक्ट हो जाएगा तो बिलीव मी आई एम गोइंग नॉट आई विल नॉट लेट यू डाउन एंड डेफिनेटली यू विल एक्सेल इन अकाउंटिंग ओके सो आई होप सो यू वुड हैव गॉट एन आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर अकाउंट्स एंड नाउ ऑफ कोर्स अकाउंटिंग इज अ डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको मालूम है तो सेकंड पेपर लॉ जो है वो भी डिस्क्रिप्टिव है एंड फॉर दैट आई एम कॉलिंग एडवोकेट शुभम जोशी सर ए यंग एंड डायनामिक पर्सन आप अगर सर के साथ लॉ पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको ये पता चलेगा कि लॉ जैसा सब्जेक्ट थ्योरेटिकल वो भी कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है और उसमें भी आप कैसे स्कोर कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात अग्रवाल क्लासेज में लॉ हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड जो आपको मालूम है कि आपका बीसीके का पोर्शन है जो तो दैट इज आल्सो डिवाइडेड एंड एक दो टीचर्स आर देयर शुभम सर विल बी डीलिंग विद्सटी मार्क एंड सैम्यल सर विल बी डीलिंग विद फोर्टी मार्क्स ओके सो यू विल बी एक्सपर्टाइज इन दैट और डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए चाहिए भी हमको एक्सपर्टाइज तो यू विल गेट इट हेयर ओके सो आई एम कॉलिंग शुभम जोशी सर एंड हु विल एक्सप्लेन यू अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर लॉ बाय बाय टेक केयर विल मीट सून थैंक यू सो मच सर हेलो एवरी वन दिस इज एडवोकेट शुभम जोशी एंड आई हैव बिन टीचिंग फ्रॉम पास्ट सिक्स ईयर्स मैं लॉ पढ़ा रहा हूं सो so, जो सी ए का इंडस्ट्री है बच्चों लॉ जो है आपका यह आपका बेस बनता है क्योंकि आप जो फाउंडेशन में लॉ पढ़ते हो उसकी कंसेप्ट आगे आपको इंटर में एंड इंटर की कंसेप्ट आपको आगे फाइनल में काम में आती है ना जितना मैंने इंडस्ट्री में देखा है लॉ का सिलेबस इज वेरी वास्ट मेरा एक तरीका है आई टीच एवरी वर्ड इन लॉ आप अगर मुझसे लॉ पढ़ते हो तो मैं कोई कंसेप्ट को स्किप नहीं करूंगा जो एक इंडस्ट्री में हो गया कि लॉ की आप बुक देखोगे मेरी बुक डबल साइज की है जो आपकी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है उससे माई क्लास नोट्स दे हैव ऑल दी क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस एग्जाम्स हम लोग सारे क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करते हैं बाय द टाइम वी कंप्लीट एंटायर सिलेबस ऑफ लॉ यू वुड बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन ओरली दैट इज माई कमिटमेंट टू यू पूरा लॉ का सिलेबस हम लोग ढाई सौ घंटा पढ़ने वाले बच्चों जो एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में वन फिफ्टी वन एटी आर्स का है हम लोग टू फिफ्टी आर्स सिर्फ क्लास रूम रीडिंग करेंगे फ्रॉम टॉपिक नंबर वन का फर्स्ट वर्ड से लेकर लास्ट टॉपिक के लास्ट वर्ड तक ईच एंड एवरी वर्ड अलॉन्ग विथ इट्स मीनिंग अलॉन्ग विथ एवरी केस लॉ दैट इज पॉसिबल जो बने हैं जो बाहर है केस लॉस वो सारे मैंने अपनी बुक में इंकलकेट किया तो आपका लॉ का जो बेस क्रिएट होगा यहां पे इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन इंटर जैसे आपको नीरज सर ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लॉ एंड बीसीआर 60 40 मार्क्स का है 60 मार्क्स के लॉ के अंदर अगर आप जैसा मैं बताता तो हूं वैसा करोगे आई कैन ऑश्योर यू दैट फिफ्टी मार्क्स हमारे कहीं नहीं गए जो चीजें आपकी इंस्टीट्यूट ने एम टीपी आर में दे रखी है उसका फिफ्टी परसेंट हमने हमारे नोट्स में डाल रखा है एंड जो बचा फिफ्टी परसेंट है ऑल्सो रिविजन बुक ये अलग से बनी है उसकी एक अलग बुक बनाई है हम लोगों ने और वही बुक आपको मिलेगी तो पहले हम लोग पूरी मेन बुक सॉल्व करेंगे एंड देन आफ्टर वी बी सॉल्विंग दी एंटायर बुक ऑफ रिविजन टेस्ट पेपर मॉक टेस्ट पेपर नाउ वॉट आई डू इज आपको लैंग्वेज लैंग्वेजो क्या होता है बच्चों हम लोग जब रीड करते हैं लॉ तो हमारी इंटरप्रिटेशन गलत होती है फॉर ईच एंड एवरी लाइन देर इज एन एग्जाम्पल क्रिएटेड बाई मी विच आई टेक इट इन क्लास जिससे क्या होगा आप जब घर पे सेल्फ स्टडी करते हो सेल्फ स्टडी करते हुए तो आपको वो चीज़ हिट होगी एंड जो लिखा के दिया है वो चीज़ आपको आंसर के अंदर लिखनी है मैंने एक फॉर्मेट बना रखा है आंसर लिखने का दो ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स है हमारे वो दो स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो एक गुरु ज्ञान होता है ना वो आपको मैं क्लास में दूंगा या तो ये वाला आंसर के लिए ये फॉर्मेट और दूसरा वाला क्वेश्चन के लिए ये वाला फॉर्मेट इसके अलावा कोई तीसरा फॉर्मेट है ही नहीं है ना तो हम लोग जैसा मैंने बताया जीरो से लेके लास्ट वर्ड तक ईच एंड एवरी वर्ड कवर करेंगे मोर देन अराउंड टू फिफ्टी आवर्स तो पक्का ही हमारा लॉ पढ़ना है जो आप देख लेना जनरली इंडस्ट्री के अंदर नहीं देखने मिलता है, है ना तो हमारी लॉ की बुक इट हैज ऑल केस जो आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में भी नहीं है तो मैंने हर चीज इंकलकेट करने की कोशिश की अपने नोट्स के अंदर लॉ इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग आपको बहुत मजा आने वाला है इतने केस लॉज इतनी केस स्टडीज है ना सो so, यहां पे मैं एंड करता हूं मैं एक्साइटेड हूं आप सबसे मिलने के लिए एंड मेरा जो फिफ्टी परसेंट पार्टनर है तो ही इज गोइंग टू टीच जनरली आप जैसे आपको नीरज सर ने बताया इट वॉज बी सी आर नॉट बी सी है ना उनका स्लिप ऑफ टंग हो गया रहेगा तो बी सी आर का हमारा फोर्टी परसेंट का जो वेटेज है आउट ऑफ हंड्रेड मार्क्स लॉ प्लस बी सी आर का उसके लिए जनरली मार्केट में एक ही फैकल्टी होती है जो लॉ एंड बी सी आर पढ़ाती है बट एट अग्रवाल क्लासेज वी हैव अ स्पेशाइज्ड पर्सन जो आपको बी सी आर के अंदर सपोर्ट करने वाला हैं एंड दैट आई हैव माई ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर एंड ही इज गोइंग टू टीच यू ऑल बी सी आर सो इनकी जितनी तारीफ करे उतनी कम है सर गिटार भी अच्छी बजाते हैं ना सो सर प्लीज बात की ये सर थैंक यू सो मच हेलो गाइज माई सर प्रोफेसर साहब एंथनी शुभ सर ने जैसे कि मैं आपको पढ़ाऊंगा बीसीआर फॉर फोर्टी मार्क्स गाइज वाई वीर गिवेन दिस स्पेशलाइजेशन ट बिकॉज गाइज ऐसा है कि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टेक्निकलिटी में क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिफिक्ट हो सकता है बीसीआर भी एक सब्जेक्ट है डिफिकल्ट हो सकता है, है, है। इसीलिए स्पेशलाइशन किया गया एंड यह फोर्टी मार्क्स के लिए मैं क्या प्रिपरेशन कर रहा हूं आपके लिए और आपको क्या क्या प्रोवाइड करने वाला हूं यह भी सुन लीजिए अब गाइज सबसे पहले बात करते हैं कि आप कौन से बुक से पढ़ने वाले हो आपकी बुक का नाम होगा चूरन सर ऐसा कैसा नाम है चूरन बेटा इसलिए नाम रखा गया है कि चूरन कैसा होता है कि सारे इंपॉर्टेंट इंग्रीडियंट्स का मिक्सचर होता है तो आपको जो बॉडी को कंटेन करके मिल जाते हैं। वैसे ही सारे एलिमेंट्स ऑफ बीसीआर मॉडल आंसर कैसा होना चाहिए ये भी है तो मतलब आपका क्वेश्चन एंड उसका आंसर दोनों मिलेगा एंड सर ये बीसीआर इंपॉर्टेंट है क्या मैं बताता हूं बेटा एक बात एग्जामिनेशन पर्स्पेक्टिव तो इंपॉर्टेंट हमेशा रहेगा ही लेकिन एक और बात सुन लो अगर आप सी ए बनते हो और आपका आपको कम्युनिकेशन करना है बट यू डोंट ना हाउ टू कम्युनिकेट देन यू ओनली नो हाउ इट इज डिफरेंट टू डील विद द सिचुएशन एंड द इंडस्ट्री राइट बिकॉज सी ए बन जाते हो लेकिन सर कम्युनिक कम्युनिकेट करना नहीं आता सर सी ए हूँ लेकिन मुझे पता नहीं सर मीटिंग में कैसे बिहेव करते सर मैं सी ए तो हूँ लेकिन सर पता नहीं कि मेरे को इंटरव्यू कैसा देना है नहीं पता तो इसीलिए इंस्टीट्यूट ने ये सब्जेक्ट डाला बीच और उसको हमें पढ़ना जरूरी है एग्जामिनेशन से है ही एंड करियर परस्पेक्टिव से भी सो so गाइस और एक चीज आपके एग्जामिनेशन मैं ये भी बता दूं कि मैं आपका लाइव टेस्ट कंडक्ट करने वाला हूं जी टेस्ट 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 ऐसा है कि बेटा BCR को हम एक में मतलब मैं भी पेपर सॉल्व करूंगा आपके साथ और आपको भी कराऊंगा तो एट द मोमेंट वेर आई एम राइटिंग सो आपको पता चलेगा कि हर एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना एंड सारे ईयर के फ्रिक्वेंट क्वेश्चन एंड रिविजन नोट अलग से सो गाइज इस बात पर तो आप लोग डेफिनेटली खुश हुए होंगे तो मैं लास्ट में हमारे सबसे चहिते हमारे सबके गुरु सी ए संकेत सर को इनवाइट करूंगा क्योंकि वो आपको कुछ लास्ट एकदम इंपॉर्टेंट फाइनल टिप देने वाले तो सीए संकेत सर और यस थैंक यू सैम सर थैंक्स लॉट और फिर से आगे मैं है ना अब दो सब्जेक्ट्स बाकी गए मैथ्स और इकोनॉमिक्स बीसी के इकोनॉमिक्स बीसी को कहीं के, के सब्जेक्ट माना जाता है सो मार्क्स का है अब मैं थोड़ी सी बात ये करूँगा कि अग्रवाल लैसेस कंटेंट में आपको क्या क्या देगा देगा तो रेगुलर नोट्स सारे कलर्ड रिविजन नोट्स फिर चार्ट्स शेड्यूल जिस दिन आप एडमिशन लोगे उसी दिन आपको एक शेड्यूल मिल जाएगा कि कौन सा टॉपिक किस सब्जेक्ट का किस दिन स्टार्ट होगा किस दिन खत्म होगा उसका टेस्ट किस दिन होगा जो वीकली टेस्ट रहेगा और मॉक टेस्ट पेपर्स कब होंगे अब मैं आता हूँ मेरे सब्जेक्ट्स पर अग्रवाल लैसेस आपको सारी बातें पहले दिन दे देगा सब कुछ तो आपको एक जादुई पिटारा मिलेगा बैग के साथ ये सारी चीज़ आपको मिलने वाली है राइट अब इसके बाद मैथ्स की बात करते हैं और मुझे पता है कि सबसे ज्यादा मैथ्स से डर लगता है बच्चों को बहुत ही ज्यादा मैथ्स से डर लगता है कॉमर्स का जिसका इलेवन ट्वेल्थ मैथ्स है उसको भी थोड़ा बहुत डर लगता है जिसका नहीं है उसको तो बहुत ज़्यादा डर लगता है सो डोंट वरी अबाउट इट कि आपका मैथ्स है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेरे पास जब पढ़ोगे तो मैं यही मान के पढ़ाने वाला हूँ कि आपको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आता एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू टेन तो प्लस थ्री यहाँ जाके माइनस थ्री होगा और टेन माइनस थ्री सेवन होगा एक्स का वैल्यू सेवन आएगा ये भी मैं क्लास में पढ़ाऊंगा सो डोंट वरी अबाउट इट इतना बेसिक से हम लोग मैथ्स करने वाले हैं क्योंकि मुझे मैथ्स का डर पता है दूसरी इंपॉर्टेंट बात फॉर्मूले याद करना पड़ता है मैथ्स में फॉर्मूले याद करना पड़ता है इसी गलत फहमी की वजह से पूरी दुनिया मैथ्स में फेल होती है फॉर्मूले याद करना पहली कंडीशन है ये तो जो पास होता है उसको भी आता है जो फेल होता है उसको भी आता है बट इतने सारे फॉर्मूले पढ़ते हैं एम सी क्यू रैंडमली आता है किसी भी चैप्टर का तो उस एम सी क्यू में कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है ये समझ में नहीं आता है तो हम लोग जितनी मेहनत फॉर्मूला याद करने में करते हैं ना उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत हमको करनी पड़ती है ये याद फॉर्मूले कौन सा एमसीक्यू पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है राइट तो हम लोग दूसरी बात जो बेसिक मैथ्स वाली बात बताई मैंने उसके बाद दूसरी बात कि सबसे ज्यादा मैं इस बात पे फोकस करूंगा फॉर्मूला याद तो सबको हो जाता है कोई बड़ी बात नहीं है वो बट कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है इस पर हम लोग मेहनत करेंगे तीसरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट कि सारे फॉर्मूले आते हैं सारे कॉन्सेप्ट आते हैं उसके बावजूद कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, ये पता चलने के बावजूद भी अगर बच्चे को सो अभी हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है उससे बता रहा हूं मैं सो मार्क का पेपर अगर पूरा आता है तो वो टाइम कंस्टेंट की वजह से 70 मार्क्स का लिख पाता है तो जितना पेपर आता है उसका 70 परसेंट ही अटैम्प्ट कर पाता है रीजन है टाइम तो अब हम लोग उस पर मेहनत करते हैं टाइम पे कैसे मेहनत करते हैं सर मैं 30 तीस मार्क के मॉक टेस्ट पेपर्स आई रिपीट 30 तीस मार्क के कितने मॉक टेस्ट पेपर्स आपसे सॉल्व करवाऊंगा स्टॉपवॉच लगवा के 25 मिनट्स का स्टॉप लगवा के सो मार्क के कितने सॉरी तीस मार्क के सो एम तो पच्चीस मिनट में 30 का आप सॉल्व कर लो ये हम लोग कोशिश करते हैं तो इस हिसाब से आपका 80 मिनट में तकरीबन 80 से 90 मिनट में आपका पूरा सौ मार्क का पेपर अटेम्प्ट हो जाए इसकी मैं पूरी प्रैक्टिस करवा दूंगा और मजे की बात यह है कि एग्जाम में 120 मिनट में मिलते हैं तो 120 मिनट मिलते पर मैं आपको इस तरह से तैयार कर दूंगा कि आप नाइन्टी मिनट्स में आपका पेपर कंप्लीट कर दो तो आधा घंटा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा तो सोचो कि 70 परसेंट जो सॉल्व करने वाला था वो 100 परसेंट सोल्व करने के बाद भी आधा घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा उसको इतनी तैयारी में करवा लूंगा और मॉक टेस्ट पेपर जो 100 सौ मार्क के रहेंगे वो मैं 30 लूंगा तो अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो 30 मार्क के 100 100 मार्क के 30 तो तीन तीन हजार यानी छह हजार एमसीक्यूज तो मैं आपके सिर्फ मॉक टेस्ट पेपर के नाम पर सॉल्व करके लूंगा फिर क्लास के रेगुलर नोट क्वेश्चन बैंक और स्कैनर यह अलग ये अलग से सॉल्व करके लूंगा तो कोई चांस नहीं है कि आपका मैथ्स में आप फेल हो जाओ किसी कितना भी बेसिक नहीं आता हो आपका इलेवन ट्वेल्थ मैथ्स ना हो आपका टेंथ तक मैथ्स पसंद ना आता हो वो बेसिक से स्टार्ट करके इस लेवल तक मैं आपको लेके जाऊंगा तो आपको मैथ्स से डरना बंद कर देना है इसीलिए अग्रवाल क्लासेस का जो मैक्सिमम क्राउड होता है 80 परसेंट क्राउड वो नॉन मैथ्स वाला होता है जो नॉन मैथ्स वाला बच्चा सीए फाउंडेशन करना चाहता है वो अग्रवाल क्लासेस की गलियों में इसीलिए आता है अब बात करेंगे इकोनॉमिक्स और बीसी की आई एडमिट की इकोनॉमिक्स बीसी के थोड़ा कंपेरेटिवली इजी सब्जेक्ट है वो थियरी भी है और एमसीक्यू भी है बट अगर आपको एग्रीगेट कवर करना है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स और बी सी के इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है अगेन इलेवेंथ ट्वेल्थ में हमारा इकोनॉमिक्स हो चुका है इस ओवर कॉन्फिडेंस में बच्चा इकोनॉमिक्स को उतना सीरियसली नहीं लेता है बट आई रिपीट कि अप्रोच बहुत ही ज्यादा चेंज होता है बहुत ही ज्यादा चेंज है अप्रोच में यहाँ पे सारे कॉन्सेप्टचुअल होता है यहाँ पे आपको सारे एम सी क्यूज क्रैक करने होते हैं टाइटल देकर डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना होता तो यहाँ पे बहुत छोटी, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है तो हर छोटी छोटी चीज़ पे हम लोग इकोनॉमिक्स में ध्यान देंगे अब बात करेंगे बीसी के की बीसी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है और जब भी इंस्टीट्यूट नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करती है सीपीटी में सब्जेक्ट नहीं था तो उस उसमें बहुत ही वेटेज होता है और इसका जो स्टैंडर्ड मार्किंग दिया है उन्होंने 50 50 वो अप्लीकेबल नहीं है एग्जाम में कभी भी कितने भी मार्क्स का आ सकता है कभी इकोनॉमिक्स 81 मार्क्स का आया था और 19 मार्क्स का बीसी के आया था तो क्या उल्टा भी हो सकता है तो 81 मार्क्स का बीसी के भी आ सकता है तो उसका हमको डिटेल में स्टडी करना रहेगा उसका जो सेकेंड चैप्टर है बिजनेस एनवायरमेंट उसको बहुत ज्यादा वेटेज दिया है तो वो बहुत डिटेल में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ विजुअलाइज करके मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा और आई होप कि चारों फैकल्टी से मिलने के बाद पांचों सब्जेक्ट्स के बारे में बा, बात करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि वाई अग्रवाल लासेस इज लीडिंग फॉर लास्ट ट्वेंटी ईयर्स एंड अगर आपको हंड्रेड इतना बड़ा कोर्स आपने सेलेक्ट किया है आपने इतना बड़ा ड्रीम देखा है तो उतनी ही बड़ी अकेडमी उतनी ही रिलायबल अकेडमी उतनी ही पुरानी अकेडमी में आपको एडमिशन लेना चाहिए आई विल सजेस्ट दिस एंड फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग सी ए सी एस सी एम है वी आर ऑल्सो इन सी एस एंड सी एम है यू कैन कॉल ऑन द गिवन नंबर डबल एट डबल एट सिक्स डबल एट डबल एट सिक्स एंड यू वॉन्ट टू इफ यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट पर्सनली यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो कि आपको किस फैकल्टी से बात करनी है यू कैन पुट योर नंबर देयर सो वी विल पर्सनली कॉल यू For that, you need to comment. Thank you very much. Bye bye. Have a nice day and a nice journey of CA. Bye bye.